यीशु मसीह में आप सबको मेरे और मेरे घराने की तरफ से सलाम। मैं आप सबके दरमियान अपने बेटे रोहन की गवाही को शेयर करना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर नौजवान बच्चों के लिए। मेरे बेटे की उम्र 17 ईयर्स है और उसका 31 मई 2024 को रात को 9 बजे मेजर कार क्रैश एक्सीडेंट हुआ, आप सब जानते हैं। और उसके बाद उसको एमरजेंसी में ले गए फौरन, क्योंकि उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। उसकी बहुत बुरी ब्रेन इंजरी हुई थी, उसकी नेक में फ्रैक्चर हो गया था, उसका जॉ भी टूट गया था, कॉलर बोन भी, रिब्स भी, और ड्यू टू ब्रेन इंजरी वो फिर कोमा में चला गया एंड ही वॉज ऑन वेंटिलेटर। हमने सबसे दुआ के लिए रिक्वेस्ट की, और मेरी बहन पास्टर नीता जो कि यूथ के लिए बहुत बोझ रखती हैं, उन्होंने सब पास्टर्स कम्युनिटी को कांटेक्ट किया। हम सब ने फास्टिंग और प्रेयर की, तमाम मैं और मेरा घराना, तमाम पास्टर्स, कम्युनिटी, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स सबके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मेरे बेटे के लिए रोज़े रख कर ख़ास दुआएँ की। और स्पेशल थैंक्स टू पास्टर नीता, यूथ पास्टर नीता, पास्टर जुवेद दीन, सीनियर पास्टर मैनुअल, पास्टर सफदर मसीह, पास्टर शाजिया एंड वुमेन ग्रुप। और ख़ास बात कि मेरी सिस्टर नीता बहन जो हैं, इन्होंने मुझे कनेक्ट कराया प्रॉफेट श्याम सुंदर के साथ, जो कि डे वन से मेरे साथ रोहन के लिए दुआ करते हैं। मैं उनका स्पेशल थैंक्स करती हूँ, क्योंकि हम तो उनको जानते भी नहीं थे, लेकिन मुझे रोज़ कॉल करके वो बेटे का हाल पूछते और रोहन के लिए दुआ की। और खुदा का सबसे बड़ा मौजा हुआ कि विद इन अ मंथ, 31 को उसका एक्सीडेंट हुआ था और 9 जुलाई को वो ICU से रिहैब में चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब जैसे कि वो रिहैब में, अब उसकी रोज़ थेरेपीज़ होती हैं और उसकी वजह से वो काफ़ी स्पीडी रिकवरी कर रहा है, इम्प्रूवमेंट्स भी शो करता है। लेकिन वंस अगेन मैं और मेरी फैमिली आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने उसके लिए प्रेयर की, लेकिन अभी भी हमें उस कंटिन्यूसली उसके लिए प्रेयर की ज़रूरत है। और मैं थैंक यू सो मच करती हूँ पास्टर श्याम सुंदर का, जिन्होंने फॉर ऑल हिज प्रेयर्स एंड कंसर्न्स फॉर माई सन, उसको जब भी कुछ करने लगते थे तो वो मुझे कॉल करके पूछते थे कि सिस्टर जी इसको ऐसा कुछ करने लगे हैं। तो खुदा उनके साथ इतना अटैच था कि उन्होंने हमारे ईमान को इतना मजबूत रखा, हमारी, हम दोनों को खासकर, और हमारी मेरी सिस्टर भी साथ थी हमारे, कि इस तरीके से वो हमसे बात करते थे, मुझे ऐसा लगता था कि खुदा उनके थ्रू मेरे बच्चे के लिए मेरे से बात कर रहा है। और इतनी तसल्ली और इत्मीनान था कि हम इंसान होते हुए अपने बच्चे की तकलीफ़ देख के रो तो पड़ते हैं, लेकिन ये कि ईमान की इतनी मजबूती है अभी तक कि उसने 1 महीने में इतनी रिकवरी की कि उसका कॉलर उतर गया, उसने 2nd वीक में कोमे से आंखें खोल ली थी, फिर 3rd वीक में उसका कॉलर उतर गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी लेफ़्ट साइड हिलानी शुरू की, फिर हम राइट साइड के लिए बहुत परेशान थे, फिर उसने राइट लेग अपनी हिलानी शुरू की। अभी आप सब से रिक्वेस्ट है कि उसके लिए बहुत ख़ास दुआ करें कि उसकी राइट आर्म जो है वो नहीं अभी मूव कर रही बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी उसकी पूरी बॉडी के लिए, उसके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। एंड पे मैं ये बच्चों को कहना चाहूँगी, ख़ास तकीद कि जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं, नए बच्चे जोश में गाड़ी चलाते हैं कि भी हमने ड्राइविंग सीखी है, लेकिन उनको चाहिए गाड़ी में बैठें, सबसे पहले दुआ करें, बेल्ट लगाएं और होश के साथ गाड़ी चलाएं, जोश के साथ ना चलाएं, इसलिए कि तेज़ गाड़ी चलाने से, अभी ये हादसा आपके सामने जिससे मैं बता रही हूँ, उनकी गाड़ी भी तेज़ थी, लेकिन जिसने हिट किया खुदा उसको भी माफ़ करे इस काम के लिए। लेकिन यह है कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ रोहन को अपनी प्रेयर्स में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।